नमस्ते, मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ, लेकिन मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जापान का सुपर मार्केट कैसा होता है। आज तक मेरे भारतीय परिवार मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स में से कई सारे सदस्यों ने मुझसे निवेदन किया है ये बात बताने के लिए कि क्या जापान में रहना सचमुच महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान कितना होता है। आप ये देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जापान नंबर 12 पर है। इसके हिसाब से तो जापान रहने के लिए काफी महंगा देश है। तो मैं आपको सुपरमार्केट दिखाते हुए चीजों का दाम भी बताते जाऊंगा ताकि आप जान लेंगे कि जापान रहने के लिए सचमुच महंगा देश है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान तकरीबन कितना होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हम लोग आरंभ करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग एक सुपरमार्केट का अंदर देखने चलेंगे। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह है सुपरमार्केट के अंदर का नज़ारा। ये सुपरमार्केट मेरे होम टाउन में मौजूद है। तो हम लोग सबसे पहले फलों का दाम देख लेते हैं। यहाँ जापान में भी कई सारे प्रकारों के विभिन्न फल मौजूद हैं, तो मैं ऐसे फल दिखाऊंगा आपको जो भारत में भी मिलते हैं। सबसे पहले ये आम है, ये साधारण आम है और इसका दाम है तकरीबन 1300 रुपये, एक पीस का 1300 रुपये है। फिर इसके बाद आता है तरबूज, एक छोटा सा साधारण तरबूज है, इसका दाम भी 1300 रुपये का एक है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेब, इसमें 4 पीसेस है और इसका दाम है तकरीबन 400 रुपये। तो मतलब सिर्फ एक पीस खरीदने के लिए 100 रुपये देना पड़ता है। और ये और भी ज्यादा अच्छा और लग्जरी वाला आम है, इसका दाम तकरीबन 2000 रुपये है, 2000 रुपये का एक। फिर इसके बाद आता है खरबूज, खरबूज बहुत ज्यादा महंगा होता है, तकरीबन 4500 रुपये का एक खरबूज है। और ये ज्यादा बड़ा वाला तरबूज है, इसका दाम है तकरीबन 3000 का एक। इसका आकार देखिए बहुत बड़ा है ना, इसलिए महंगा है। फिर ये केले है, इसमें 4 पीसेस है और इसका दाम है तकरीबन 200 रुपये। अच्छा सॉरी, मैं इनके बारे में बताना भूल गया, इनका नाम अंजला जी है और ये मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए आए थे। इनका भी यूट्यूब चैनल है और इनको भी भारत से बहुत प्यार है, तो हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो बनाते हैं, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा इनका चैनल भी। फिर ये स्ट्रॉबेरी है, एक पैकेट का दाम तकरीबन 700 रुपये है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, बहुत मीठा होता है, आप एक दिन जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर ये पपीता है, एक प्रकार का पपीता है और इसका आकार देखिए एक छोटा सा, एक साधारण इतना छोटा सा, तकरीबन 650 रुपये का एक पीस है। फिर ये छोटा सा नींबू, तकरीबन 130 रुपये का एक पीस है, एक पीस। फिर ये बड़ा वाला नींबू, इसका दाम तकरीबन 90 का एक है। और ये तरबूज का एक स्लाइस है, इसका दाम तकरीबन 400 रुपये है एक स्लाइस का। फिर ये अंगूर है, तकरीबन 400 रुपये का एक पैकेट। फिर ये कीवी फ्रूट है, तकरीबन 130 रुपये का एक पीस। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। चलिए हम लोग आपको सब्जियां दिखाना शुरू करते हैं। ये अच्छा वाला टमाटर है, इसमें सिर्फ 3 पीसेस है और इसका दाम तकरीबन 400 रुपये है। और ये मक्का, ये तो काफी सस्ता है, तकरीबन 130 रुपये का एक पीस। और ये एक लहसुन है, इसका दाम है तकरीबन 300 रुपये। और इतना सा काजू 400 रुपये। और इसमें सिर्फ 2 पीसेस है प्याज, साधारण प्याज है और इसका दाम 300 रुपये। और एक बैगन है 200 रुपये का। फिर इतना सा धनिया है 140 रुपये का। और ये कद्दू है कटा हुआ, तकरीबन 300 रुपये का है, तकरीबन 300 रुपये का ये। और ये बहुत बढ़िया शकरकंद है, एक पीस का तकरीबन 300 रुपये। और इतनी सी भिंडी है 180 रुपये की। ये मेरी पसंदीदा मनपसंद सब्जी है, भारतीय खानों में से सबसे ज्यादा भिंडी मसाला मुझे पसंद है।
फिर आइए हम लोग मछलियों का देख लेते हैं। ये अच्छी मछलियां हैं तो लेने के लिए 1500-2000 तो देना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये स्क्विड है और इसका दाम काफी सस्ता होता है, तकरीबन 300 रुपये का एक। ये इसलिए है क्योंकि जापान एक द्वीप देश है ना, चारों ओर समुंदर होता है, तो सी फूड पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए सस्ता होता है और बहुत ताजा भी होता है, एकदम फ्रेश है। और हम लोग शेल भी खाते हैं और ये अच्छा वाला शेल है, इसका दाम तकरीबन 950 रुपये का एक है। और ये है कटी हुई कच्ची मछली, हम लोग इसे कहते हैं ओसाशिमी। और जापान की मछलियाँ इतनी साफ और हाइजेनिक होती है कि आप इसे बिना पकाए कच्ची मछली के रूप में खा सकते हैं और इसका स्वाद बहुत जबरदस्त होता है, तो आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा अगर आप नॉनवेज हैं तो। और ये सब बहुत ताज़ा होती है, एकदम फ्रेश है। आइए हम लोग और देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ दूध का दाम। देखिए जापान में इतने सारे प्रकारों के दूध मौजूद हैं, फिर इनमें से एक आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका मात्रा है सिर्फ 1 लीटर और इस पैकेट का दाम है तकरीबन 350 रुपये। ये अच्छा वाला दूध है इसलिए थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको 200 रुपये में भी मिल सकता है। देखिए जापान के विभिन्न दूध। फिर इसके बगल में ठंडा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आप यहाँ से पीने के लिए कुछ ले सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दही का दाम। दही तो जापान में भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये तकरीबन 250 रुपये का एक पैकेट है। और ये मिठाइयों की सेक्शन है, विभिन्न मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। और ये ऐसे खानों का सेक्शन है जो खाने के लिए तैयार है, रेडी टू ईट वाले खानों का सेक्शन है। ये फ्राइड वाली मछली है और ये है क्यूमिन सीड, मतलब क्यूमिन सीड मतलब जीरा का बीज है क्या। ये तकरीबन 200 रुपये का है। और ये वाली काली मिर्ची तकरीबन 280 की है। और ये वाइन के बोतल्स है। मुझे लगता है कि जापान में अल्कोहल ज़्यादा सस्ता मिलता है, ये काफ़ी सस्ता वाला वाइन है, 200 और 600 रुपये के बीच में एक बोतल आ जाएगा। और ये फ्रोजन खाना है जिसे आप गर्म करके सीधा खा सकते हैं। और विभिन्न कप नूडल्स हैं क्योंकि हमें नूडल्स खाना बहुत पसंद है। और कुछ कुछ जापानी स्नैक्स भी हैं। आपको स्नैक्स में क्या क्या पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। और ये लेस का एक पैकेट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, साधारण लेस है। इसका दाम तकरीबन 300 रुपया है। और ये कैंड फूड है, ताज़ा मछलियाँ। फिर ये काफ़ी अच्छा वाला नमक है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और काफ़ी हल्का है, सिर्फ इतना सा मात्रा है। इसका दाम है तकरीबन 680 रुपये। और ये सोया सॉस है जिसे हम लोग खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, इतने सारे प्रकारों के सोया सॉस मौजूद हैं। और ये काफ़ी अच्छा वाला अंडा है, इसमें सिर्फ 2 पीसेस है और सॉरी इसका दाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन काफ़ी महंगा था। और ये वाले अंडे साधारण अंडे हैं, इस पैकेट में 6 पीसेस हैं और इसका दाम तकरीबन 240 रुपये है। फिर ये सस्ता वाला नमक है, 200-300 रुपये में आसानी से एक पैकेट आ जाएगा। और ये सब हम लोगों को जापानीज खाना पकाने के लिए चाहिए होता है। आइए सब्जियां देखिए, ये पालक है और ये गाजर, कई सारे प्रकारों की सब्जियां जापान में भी मौजूद हैं। देखिए ये मूली काफ़ी प्यारा है ना, इसका शेप मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है अदरक, इसका दाम है तकरीबन 160 रुपये, लेकिन 2 पीसेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ सड़क पर फल नहीं बेचा जाता है, रास्ते पर फल बेचने वाले मौजूद नहीं हैं, तो सभी को सुपरमार्केट से खरीदना पड़ता है। और ये है सुशी, ये जरूर रेडी टू ईट है, खरीदते ही आप खा सकते हैं। और देखिए सुशी में भी कितने सारे प्रकार होते हैं, विभिन्न सुशी उपलब्ध है यहाँ। और हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। और ये चावल है, चावल तो काफी सस्ता होता है, 1000 और 2000 के बीच में आपको 5 केजी आसानी से मिल जाएगा। और ये है डेयरी आइटम्स, चीज और दही वगैरह।
सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। ओके गाइस, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मैंने आपको दिखा दिया जापान में सुपरमार्केट कैसा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी हिंदी बोलने का तरीका ज़रूर मज़ेदार लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार सब्सक्राइब करके घंटी भी तो बजा कर जाइएगा प्लीज़। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में भी जरूर मिलेंगे। नमस्कार।